सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटी मैटर फिट ऐप, चूज योर सर्विस, चूज योर टाइम एंड चूज योर लोकेशन। सेशन स्टार्ट एट जस्ट ₹99। देखिए, जो बहुत ही भीषण शीतलहर अभी चल रही है अपने राजस्थान में, और जो पिछले दिनों कुछ बारिश के कारण जो मौसम के रुख में परिवर्तन आ गया था, उसको देखते हुए अभी नगर निगम NVLM की टीम के साथ एक अभियान चला रहा है, जिसके अंदर जो भी लोग बेघर लोग हैं, असहारा लोग हैं, उनको जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, सड़कों के किनारे सो रहे हैं, तो उनको यहाँ से शिफ्ट करके अपनी गाड़ियों के थ्रू हम अपने शेल्टर होम्स में भिजवा रहे हैं, रैन बसेरे में भिजवा रहे हैं, जहाँ पर उनके लिए एक प्रॉपर रहने की व्यवस्था है, गर्म ओढ़ने को कंबल हैं, रज़ाई हैं, नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था है, हीटर की व्यवस्था है, पीने को साफ पानी है, काफ़ी सारे आश्रय स्थल में तो हमारे पास में इंदिरा रसोई भी है, जहाँ पर उनको बहुत ही कम रुपए में पौष्टिक और फ्रेश भोजन उनको मिल सकता है। तो बेसिकली हमारी कोशिश ये है कि इतनी ठंड के मौसम में किसी को भी ऐसे कोई कोल्ड के एक्सपोजर से नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, कोई शराब के नशे में या कोई किसी और नशे में है, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ इसमें बूढ़े लोग भी हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, जिनके अंदर ठंड से लड़ने की क्षमता थोड़ी कम है। तो अभी हम जब भी नेक्स्ट कमिंग डेज़ के अंदर जो ठंड का मौसम रहेगा, तो हमारी टीम रेगुलरली रात को गश्त करेगी और ऐसे लोगों को समझाइश करके, मोटिवेट करके, परसुएड करके इनको शिफ्ट कराएंगे। अगर फिर भी इसमें मोटिवेशन से बात नहीं बनती है, तो हम इसमें पुलिस का भी हेल्प लेंगे, जो लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, क्योंकि कभी कभी ये क्या है, दिस इज़ एक तरीके का बेगिंग माफिया ऑर्गेनाइज लेवल पे भी ऑपरेट होता है, तो पुलिस का भी हेल्प लेंगे और इनको फिर वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस सिस्टमेटिकली एंड ऑर्गेनिकली। और आसपास जो हमको लोकल से भी सहयोग मिलता है, आप लोगों से भी हमें सहयोग मिला, क्योंकि ये लोग देखते हैं इनको दिन भर ऑपरेट करते हुए, और इनकी तरफ से अगर हमें कोऑपरेशन मिलेगा, तो ऑफकोर्स जो हमारा डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है कि नगर निगम साफ रहे, स्वच्छ रहे, दूसरा जो नगर निगम के निवासी हैं, चाहे वो यहाँ पे रहने वाले हों या बाहर से काम करने वाले लोग हों, कोई भी काम धंधा करता हो, वो एक हेल्दी लाइफ, एक सेफ लाइफ रह पाए, यही हमारा उद्देश्य है। जैसा कि हमारे आयुक्त साहब ने बताया कि ये सर्दी में और बारिश के मौसम को देखते हुए फुटपाथ जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उनको सोने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर ओढ़ने रहने की व्यवस्था है, और अभी तक आज के अभियान में अभी तक हमने 15 लोगों को आश्रय स्थलों में शिफ्ट कर चुके हैं, और हम निरंतर ये प्रयास करते रहेंगे कोई बाहर नहीं सोए, और हमारा ये प्रयास रहेगा सारे व्यक्ति जो बाहर सो रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग महिला, उनको हम नगर निगम के रेन बसेरे में शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे, और आज हमने लगभग 15 व्यक्तियों को हमने आश्रय स्थलों में शिफ्ट कर चुके हैं। नाम सुरेंद्र बांगट, प्रबंधक NVLM।